हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, इंडिया ने फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंशन को एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक कर दिया है। मुझे तो लग रहा है ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा 2021 में, तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा ये मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंशन का एक्सटेंड मतलब एवरी मंथ, हर मंथ एक्सटेंड कर रहा है। तो अभी उन्होंने 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया है, और यूएई गवर्नमेंट के तरफ से अनटिल फर्दर नोटिस तक एमिरेट्स एथियाट एमिरेट्स का कहना है 7 जुलाई, एथियाट का कहना है 21 जुलाई। मतलब इस बीच में आम लोगों को कुचल कर मार डाला जाएगा। बात सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, DGCA के तरफ से ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट में ये कहा गया है कि कार्गो फ्लाइट, इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट ऑपरेट होंगे, और DGCA के तरफ से अप्रूव किया हुआ जो स्पेशल फ्लाइट है वो फ्लाइट भी ऑपरेट होंगे इंटरनेशनली। और ये भी कहा गया है कि हाउएवर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स मे बी अलाउड ऑन शेड्यूल रूट्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन केस टू केस बेसिस। मतलब कुछ शेड्यूल्ड रूट है, अगर उस रूट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा परमिशन मिल जाता है तो फ्लाइट ऑपरेट होंगे। जैसे अगर इंडिया टू यूई रूट, अगर यूई गवर्नमेंट इंडिया को अलाउ करते हैं तो इंडिया टू यूई फ्लाइट ऑपरेट होंगे। मतलब ये एक छोटी सी आशा का किरण है। भला ही इंडिया ने 31 जुलाई तक फ्लाइट सस्पेंड किया है, लेकिन इस बीच में अगर यूई गवर्नमेंट इंडिया को अलाउ करते हैं तो इंडिया टू यूई फ्लाइट ऑपरेट होंगे। और ये फ्लाइट सस्पेंड हुआ था कोरोना के लिए, लेकिन अभी इंडिया में कोरोना का जो केस बहुत कम है। 1 दिन लग जब केस था तब फ्लाइट ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अभी तो बहुत कम है, तो अभी तो फ्लाइट ऑपरेट होना चाहिए। मतलब जल्दी, अभी और कितना दिन, बहुत दिन हो गया है, अभी फ्लाइट ऑपरेट होना चाहिए। और रेगुलर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो है जब कन्फर्म फ्लाइट ओपन होंगे उसके बाद ही आप अपना टिकट बुक करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक किया है, यूएई ने अनटिल फर्दर नोटिस तक, एथियाट बोल रहे हैं कि 21 जुलाई तक, एमिरेट्स बोल रहे हैं 7 जुलाई तक। तो इस चक्कर में मत जाए, जब फ्लाइट कन्फर्म ओपन होंगे तब अपना टिकट बुक करें। और इस रिलेटेड अगर कन्फर्म न्यूज़ मुझे मिलेगा मैं भी आपको अपडेट करूँगा, और आप भी गल्फ न्यूज़ खलीज टाइम पेपर के ऊपर नज़र रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी अपडेट मिल जाएगा, और मुझे जब मिलेगा मैं भी आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।